ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट कैसी रहेगी, फुल मून से रिलेटेड ट्विन फ्लेम एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ जरूरी टिप्स, जरूरी बातें और बेस्ड है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में एनर्जी अपडेट। चलिए शुरू करें वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल है राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का बहुत बहुत पवित्र प्योर डे और फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है भाई और बहन का फेस्टिवल होता है जो कि हम सब जानते हैं, इसलिए मैं अपने सोल ब्रदर्स, अपने सभी सोल ब्रदर्स जो मुझे सुनते हैं, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, उनको हैप्पी रक्षाबंधन और अपने सोल सिस्टर्स को भी बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और इसी के साथ आप सभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल बहुत खुशियों, बहुत उल्लास, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इसी कामना और इसी विशेष के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहती हूं। फुल मून 19 अगस्त का जो फुल मून है वो जोडियक साइन एक्वेरियस पे लग रहा है, कुंभ राशि। तो नॉर्मली एक्वेरियस फुल मून brings light-hearted vibes, development लेकर आता है Aquarius full moon, hope लेकर आता है Aquarius full moon, sudden change भी देखा जा सकता है। कुछ twin flames के life में inner tension, conflict भी हो सकता है जो आपके energy को drain कर सकता है। ऐसे में जरूरी है awareness में रहने की, negative feelings से बचने की। कभी बहुत अधिक इमोशनल हो सकते हैं आप, तो कभी बहुत अधिक कंफ्यूज भी। ये बात हो रही है कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स की। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एंजाइटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट्स या एडिक्शन भी बढ़ा सकता है ये फुल मून। ऐसे में एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है, अच्छे से बातों को समझकर तब कुछ बोलने की जरूरत है, तब आप केओस या अनवेलकम सरप्राइजेस से बच सकेंगे। यू मे एक्सपीरियंस इमोशनल आउटबर्स्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जरूरत होगी पेशेंस एंड सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने की। पर्सनल रिलेशनशिप में अचानक चेंज भी देखा जा सकता है। सीक्रेट्स मे कम इनटू लाइट ड्यूरिंग दिस फुल मून, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर रिविलेशन। इस लुनेशन के दौरान मेजर डिसीजन, प्रोमिसेस या प्लान्स ना बनाएं, खासतौर से लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड, कम से कम 21 अगस्त तक। ये फुल मून जोडिक साइन एक्वेरियस पर होने से आपके आपसे रिलेटेड ग्रुप, फ्रेंड्स या कम्युनिटी जिसमें आप एक्टिव हैं उस पर असर होगा। आपकी बातें, बिहेवियर, डिसीजन पर आपको रीचेक करने की जरूरत है। जो कुछ कहें फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में, जो कुछ टाइप करें, जो कुछ लिखें, डबल चेक कर लें। टेक अ क्लोजर लुक एट योर रिलेशनशिप। आपके क्लोज जो रिलेटिव्स हैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या आप उनसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। सम वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट मैटर, सम चेंजेस आर हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन, कमिटमेंट, एंगेजमेंट और इवन मैरिज भी देखा जा सकता है। प्रिपेयर टू फील ब्लिस इन नियरली एवरी सिंगल वे। ट्विन फ्लेम्स यू आर लाइकली टू फील यूफोरिक। कुछ बातों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहेंगे आप। दिस फुल मून विल एनर्जाइज ट्विन फ्लेम्स टू बी अट्रैक्टेड लाइक मैग्नेट। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी में। ये तो रही एक कैटेगरी, एक दूसरी कैटेगरी की भी क्या सिचुएशन, क्या एनर्जी रहने वाली है दूसरे कैटेगरी में, क्या कुछ लेकर आ रहा है फुल मून। इस कैटेगरी में वो ट्विन फ्लेम्स आ सकते हैं जो इस जर्नी को समझ चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, डीपर कमिटमेंट लेकर आ रहा है ये फुल मून, जो ट्विन फ्लेम लास्ट स्टेज तक आ चुके हैं इस जर्नी में। डियर डिवाइन फेमिनिन, आप स्लो बर्न एनर्जी की तरह हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन पहले से ये समझ नहीं पा रहे थे आपको, पर अब समझ, सब कुछ उन्हें समझ में आ रहा है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन लॉन्ग टर्म कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन पहले आपको क्वीन की तरह ट्रीट किए होंगे, ट्रीट करते भी थे, बहुत अट्रैक्शन फील किए होंगे आपके टुवर्ड्स। पहले नहीं समझ आ रहा था कि ये सोल
कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोल कनेक्शन है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को अब अपनी लाइफ आपके कंपैरिजन में बोरिंग लग रही है, भले ही उन्होंने आपसे ये बात एडमिट की हो या नहीं। यू ट्रूली सरप्राइज्ड योर डिवाइन मैस्कुलिन इन एवरी वे। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन आपके कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके रहन सहन, आपके प्रेजेंस से सुपर एडिक्टेड हो रहे हैं। इट्स साइलेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑफ यू, चाहे आपके ड्रीम में आकर या थॉट्स में आकर या फिजिकली सामने आकर आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ कहने की कोशिश करेंगे। आप दोनों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्टर, आपके स्पिरिचुअली प्रोटेक्टर हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। ध्यान से सुने, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देर इज समथिंग दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एनर्जेटिकली। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन सभी इंसानों में आपको ढूंढा करते थे, सभी इंसानों पे, सभी जगह पर आप जैसी एनर्जी किसी में नहीं मिली। दे नेवर एक्सपीरियंस्ड एन एनर्जी लाइक योर्स बिफोर। आप देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर कुछ गाइडेंस आप तक पहुंचता है और उस अकॉर्डिंग आप में आपके जो लाइफ है वो डायरेक्शन बदल जाती है। वो गाइडेंस कोई स्पिरिट गाइड्स या कोई पर्सन या इस तरह के चैनल से आपके लाइफ में उस तरह के गाइडेंस आप तक पहुंच रहा है और जिससे आपकी जो लाइफ की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। पर जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी सेंसिटिव रहेगी इमोशनली एंड फीलिंग इन लव। दे आर फीलिंग लव विथ यू। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन दो राह पर खड़े हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी वाले डिवाइन मैस्कुलिन है वो दो राह पे खड़े हैं। कैसी दो राह? नंबर वन, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, या फिर नंबर टू, हाइपर इम्बैलेंस स्टेट में रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए। दोनों में से कोई एक डिसीजन उन्हें लेना होगा, या फिर पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी ओर, नहीं तो हाइपर इम्बैलेंस सिचुएशन में स्टेट में रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन जो सेकंड कैटेगरी में आएंगे उन्हें भी डिसीजन लेना होगा, भले ही स्लो मूव करें। आपको लग सकता है आप सब खत्म, बट दे हैव नॉट क्लोज्ड द डोर येट। दे विल अप्रोच यू इन अ सरप्राइजिंगली ऑथेंटिक वे। मैं ये जानती हूँ कि ये फुल मून की एनर्जी आप सबसे रेजोनेट करेगी। अगर आपके ट्विन फ्लेम से बहुत कम बातचीत होती हो, ये एक अलग कैटेगरी है। अगर आपके ट्विन फ्लेम से बहुत कम बातचीत होती हो या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली एंड इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही थी, जो पहले की सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, पर थोड़े टाइम के बाद हॉल्ट लगी है। ये कुछ स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम के साथ रेजोनेट जरूर करेगा। ये डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट में कुछ कन्फ्यूजन के चलते सेपरेट हो गए थे आपसे। उनकी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन वाली रिसीव हो रही है। दे आर डीपली हर्ट। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी खबर जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये सेपरेशन कुछ लंबा हो गया जिसका आप दोनों ने इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली आपको भूलने की बहुत कोशिश किए पर भूल नहीं पाए। इट सीम्स लाइक एवरीथिंग अराउंड देम कीप्स रिमाइंडिंग ऑफ यू। दे आर फीलिंग योर एब्सेंस। ये फुल मून ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को सोल शॉक देने वाला है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन पहले किसी पर्सन से रोमांटिकली इमोशनली इतना नहीं कनेक्ट कर पाए जितना आपसे कर पाए थे। देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड हैवीनेस विद दिस डिवाइन मैस्कुलिन। इस कैटेगरी के डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनिन को हीलिंग की जरूरत है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार क्या चीज है ये मालूम नहीं था। चाइल्डहुड ट्रॉमास बेहद ज्यादा था ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर। इमोशन से, फीलिंग से दूर भागते थे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन। दे आर इमोशनली वुंडेड। प्लीज आप डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी सैक्रल चक्रा पे काम करें, हार्ट चक्रा पर वर्क करें। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। आप डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस
रहना है। ये सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो कल का जो फुल मून है, 19 अगस्त का जो फुल मून है, वो फुल मून इंटेंस फुल मून है। आप अगर बैलेंस सिचुएशन में हैं तो आपको ये फुल मून पता नहीं चलेगा, पर अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए अभी भी तो इमोशनल हैवीनेस बना रहेगा, 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, जो ये 3 कैटेगरी की मैं बात की, इन 3 कैटेगरीज में से जो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स हैं, इन 3 कैटेगरीज में से आपके साथ कोई ना कोई एक कैटेगरी ज़रूर मैच करेगी। अब अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 मैच कर रहा है, तो आपको ऐसे में जो आप इनोवा कर रहे हैं उसको करते रहिए, और अगर कैटेगरी 3 में आप आते हैं तो प्लीज़ इनोवा स्टार्ट करने का टाइम अब आपका आ चुका है, अब डिले इनोवा में मत करिए। अब रही बात जो फुल मून है, कल जो पूर्णिमा रहेगी, उससे रिलेटेड आपको क्या कुछ प्रिकॉशन या टिप्स लेना है। सबसे पहले फुल मून मेडिटेशन करिएगा शाम के वक्त, चांदनी रात में फुल मून मेडिटेशन करना है। अपने टेरेस में, बालकनी में, रूफ पे आप कर सकते हैं फुल मून मेडिटेशन। फुल मून मेडिटेशन हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको अगर लगे कि जो एनर्जी आपकी थोड़ी हेवी फील हो रही है, क्योंकि एनर्जी हाइटन होगी, कुंभ राशि में ये लगा है ये फुल मून, तो कुंभ राशि थोड़ी सीरियस राशि होते हैं, और इसके साथ ही साथ थोड़ी रिबेलियस भी राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो थोड़ी सी एक एनर्जी हाइटेंड हो सकता है। एनर्जी हाइट मतलब हाई, मतलब किसी बात पे अचानक से गुस्सा आ जाना, या किसी बात पे ओवर रिएक्ट कर जाना, या ऐसा कोई एक्शन ले लेना जो नहीं लेना चाहिए था, इस पर आपको ध्यान देना ही होगा, नहीं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, नॉट ओनली विथ योर ट्विन फ्लेम्स बट ऑल्सो इट कैन बी स्पॉइल्ड विथ योर फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल या जॉब प्लेस में भी। तो ओवरऑल आपको अपने आप को एकदम अवेयरनेस में क्लच रखना होगा, अपने अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, और अपने एक्शंस पर भी। जो भी बोले, थिंक बिफोर यू लीप, पहले सोच ले, 2 बार सोच ले बोलने से पहले। तीसरा टिप, जब भी आप इन 3 दिनों की जो बात है, कल पर 19, 20 अगस्त एंड 21 अगस्त, जब भी अगर आपकी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से बात हो, तो ये कोशिश करें कि ज़्यादातर बात वो कहें, आप नहीं, आप कम से कम बोलें, सुने ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन अभी भी आपके अंदर है तो वो हील हो सकता है, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो इन 3 दिन में बात जबरदस्ती खुद से इनिशिएट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चीज़ें खराब होंगी, बनेंगी नहीं। इसके साथ ही साथ सबकी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और ये मोर ऑर लेस ऐसा ही एनर्जी रहेगा, पर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन अगर आपको चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स सेम स्ट्राटा पे नहीं हो सकते, और सभी ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि कर्मा सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए जर्नी अलग अलग सिचुएशंस से होकर गुजरती है। जर्नी के स्टेजेस, 8 स्टेजेस सबको दिए जाते हैं, पर जर्नी कितना टाइम लेगा, कितनी डिले होगी, और इस जर्नी में से आपको जो सिचुएशंस होते हैं वो बेसिकली बेस्ड होता है आपके किए गए कर्मा पे। तो पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल होगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप अगर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन ये पेड है होता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत खुश रहिए, और खूब अच्छे से राखी आप सेलिब्रेट करिए राखी फेस्टिवल, और आप सबके लिए हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।